राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल ने कहा, व्यसन और नशे की लत न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। समाज को नशे से मुक्त दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल ने कहा, कई युवा बुरे व्यसनों की लत का शिकार होकर अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, इसके साथ ही गुनाह की राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नशे के आदि लोगों को, खासकर युवाओं को, सही राह दिखाकर उन्हें नया जीवन देने के लिए पूरा समाज इस दिशा में जिम्मेदारी से सामूहिक प्रयास करे। जो लोग इनका शिकार बन गए हैं, वह अंधकार की गलियों में हैं, उनको रोशनी दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है कि ये परिवार, ये प्रजापति विश्व परिवार, ये ब्रह्म कुमारी का परिवार, ये संगठन हर वक्त समाज हित के लिए कार्य करता है। और आपका मेडिकल विंग हैज ऑलरेडी मेड द क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड नशा मुक्ति अभियान के अंदर में। आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका भी जो अटूट विश्वास है ब्रह्म कुमारी सोच विचार और धारणा का, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ये बड़े गर्व का विषय है कि आपने ये चैलेंज लिया है।